गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बॉम्बे में जब सुबह सुबह उठता हूँ ना, तो सबसे पहले धन्यवाद बोलता हूँ परमात्मा को कि सोचता हूँ कि अगर मैं मुंबई नहीं आता तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती शायद। मुंबई आया, मुंबई ने सब कुछ दिया, बहुत प्यार दिया। बॉलीवुड यहीं था, बॉलीवुड में काम करने आए थे, सोचता था ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे सपने लेकर आए थे, लेकिन एक परमात्मा का प्लान होता है, वो आपके लिए बेहतर प्लान रखता है। हमें लगता है ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, लेकिन आज जो मुझे दिया ऊपर वाले ने, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लाखों करोड़ों लोगों के पास में वो नहीं होता है। सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर बात यह है कि मुझे इस मुंबई शहर ने मुझे इतना सुंदर बिजनेस दिया। इस बिजनेस के बारे में जब सोचता हूँ तो लगता है कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो आज हमारे बच्चे नौकरी कर रहे होते, किसी की गुलामी कर रहे होते, आज उनके दोस्तों के पास जब देखता हूँ सुबह से शाम तक वो बिज़ी रहते हैं जॉब्स में, अपने फ्रीडम नहीं है, परेशान है, कभी एक जॉब, कभी दूसरा जॉब, कभी तीसरा जॉब, तो आज ये बहुत बड़ा सुकून है कि आज बच्चे अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हैं। इस बिज़नेस ने इतना सुंदर घर दिया है कि मुंबई में सपना होता है लोगों का 3 BHK फ्लैट, आज करोड़ों का फ्लैट है ये, उस समय 40 लाख का लिया था, और बहुत ही सुंदर फ्लैट, बहुत ही सुंदर जगह, अंधेरी जैसे शहर में, अंधेरी जैसी जगह में। ओके, तो आज इस बिजनेस को जितना बोले उतना कम है। कोटि कोटि नमन करता हूँ कि ऐसे सुंदर बिजनेस को जहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, आज आपके हज़ारों अच्छे दोस्त हैं, अच्छी सोच है, हर दिन लगता है कि आज और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। ये जब बिजनेस में आते हैं ना, तब समझ में नहीं आता कि ये बिजनेस इतना बड़ा है। उस समय सिर्फ पैसा दिखाते हैं कि आपको ये पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, लेकिन पैसे के साथ साथ इस बिजनेस ने जो दिया है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सुकून है कि आज हर महीने की 4 तारीख तक पैसा आपके बैंक में आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। आज काम पे नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सुकून है, शांति है। और जब मुझे मेरे गुरु मिले, उन्होंने कहा कि आपको हक हलाल की कमाई अगर आपके आ रही है तो ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा मिल सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो अच्छा, इसलिए मुझे परमात्मा ने ये बिज़नेस दिया, एमवे बिज़नेस, कि मेरी कैसी इनकम आती रहे, कैसी इनकम आती रहे, कि जब मैं काम करने के लायक ना भी रहूँ तब भी मेरे पास में पैसा हो और मैं जो मन का करना चाहूँ कर सकूँ। आज हम चैरिटी भी करते हैं, आश्रम जाते हैं, वहाँ लंगर करते हैं, भंडारा करते हैं, तो आज चिंता नहीं है। मुझे बहुत पैसे की कभी इच्छा नहीं थी, पर ये था कि इतना पैसा हो कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। थैंक गॉड, थैंक गॉड, कोई जन्म, किसी जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, किसी योनि में हमने, जो आज हमें ये बिज़नेस दिया है, इतना सुंदर बिज़नेस, जहाँ हमने थोड़े दिन काम किया, आज हम कुछ भी नहीं करें तब भी हमारे बैंक में पैसा आता है, ये सुकून बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए इस बिजनेस को मना मत करो, तुमको पता भी नहीं है तुम किस चीज़ को मना कर रहे हो। जब कोई साथ नहीं देगा, बच्चे साथ नहीं देंगे, रिश्तेदार दोस्त तो सब कहने के होते हैं, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। किसी से आप पैसे मांग के देख लो कितने लोग खड़े हैं आपके साथ में। आपके स्टेटस के हिसाब से लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपके स्टेटस के हिसाब से लोग आपसे संबंध बनाते हैं,
कोई संबंध नहीं होता, दुनिया में एक ही संबंध होता है सिर्फ गुरु और शिष्य का। अगर जीवन में सच्चा गुरु है तो सब मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। आए दिन देखता हूँ कोविड में इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए। अभी हमारे बहुत ही प्यारे हमारे एक मित्र उनको एक्सपायर हो गए। उनकी वाइफ जो है हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हमारी बहन हैं, हमारा 35 साल का संबंध है उनके साथ में, निवेदिता जी। तो जब देखते हैं तो जाना तो सभी को है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब मृत्यु आती है, मौत आती है, किसी की न्यूज़ सुनते हैं तो अरे वो चला गया, बड़ा दुख हुआ, स्वर्गवास हो गया उनका। सबको जो जाता है दुनिया से बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्ग में वास हुआ है कि कहाँ वास हुआ है तो पता नहीं है, वो तो कर्मों के हिसाब से मिलता है। बताना चाहता हूँ कि जब एक सत्संगी शरीर छोड़ता है तो उसका जो मौत का जश्न होता है वो आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होता है। मौत एक जश्न है, और वो तभी हो सकती है जब वो गुरु के संरक्षण में हो, गुरु के हिसाब से अगर आप जीवन जिया है आपने तो आपकी मृत्यु कभी नहीं होती है। आप सब चोला छोड़ते हैं, चोला बदलते हैं और आप कभी दोबारा धरती पर नहीं आएंगे। हमारी यही प्रार्थना है कि हम कभी भी कर्म में नहीं आना है, इसी जन्म में मुक्ति चाहिए। ये सबसे बड़ा सुकून हमको मिला है। थैंक गॉड, परमात्मा लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। ये आपने सुंदर बिजनेस दिया, हमारे जीवन में गुरु हैं, एक सुंदर संसार आपने बचा बसाया, सब अच्छा है। और बस आपसे इतने कहता हूँ कि दुनिया में इससे सुंदर काम नहीं है, धरती पर स्वर्ग है एमवे बिजनेस। इसको करो, समझो, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल कर लो, उसके बाद में जीवन में कभी आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ईमानदारी का काम है, लोगों की मदद करो, सेवा करो, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है यूज़ करो, घर को केमिकल फ्री बनाओ, डिजीज़ फ्री बनाओ, डॉक्टर के पास कभी जाना ना पड़े, और रियल मायने में आपके दोस्त होंगे। आज हम जो भी कुछ है हम कोटि कोटि नमन करते हैं अपने मेंटर को, सुमित तानिया बहादुर, सुधा जी एंड विनोद जी, आज जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज आपके सामने बैठे हैं बेफिक्र। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपके साथ में मैंने फीलिंग शेयर की। लव यू, गॉड ब्लेस।